हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग वैरायटी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जो आई एम डैम श्योर सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आप उसे बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज हम एक ही वीडियो में तीन रेसिपी बनाएंगे। आज की रेसिपी आपकी बहुत ही हेल्प करने वाली है। अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो समझिए कि पूरी गर्मी आपको ड्रिंक के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कि आज हम बनाएंगे मैंगो कंसंट्रेट, जिसे आप 2-3 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, वो भी बिना केमिकल, बिना प्रिजर्वेटिव के। और एक बार अगर आपने मैंगो कंसंट्रेट बना लिया, उसके बाद आपका जब मन चाहे मैंगो जूस, मैंगो लस्सी, मैंगो स्क्वाश भी बना सकते हैं, वो भी घर पे। तो चलिए बिना लेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें हम बाद में करें। मैंगो कंसंट्रेट बनाने के लिए हमें चाहिए राइप मैंगो। मैंगो जितने राइप होंगे आप उतनी ही अच्छी आपकी मैंगो फ्रूटी, मैंगो जूस या फिर जो भी आप बना रहे हैं वो उतनी ही अच्छी होगी। और उसके साथ में हमें चाहिए कच्चे आम। कच्चे आम मतलब कैरियाँ या फिर जो कच्चे आम होते हैं वो भी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि कच्चे आम की क्या ज़रूरत है, वो भी मैंगो कंसंट्रेट में। लेकिन हमें जितनी मात्रा में आप राइप मैंगो ले रहे हैं, मतलब पके हुए आम, उतनी ही मात्रा में आप कच्चे आम भी लें। कच्चे आम से जो मैंगो फ्रूटी हो या माजा हो या कुछ भी आप पीते हैं, तो उसमें जो लेस बनती है ना, जिसे आप कहते हैं पल्पी मैंगो जूस, वो कच्चे आम की वजह से ही बनती है। तो देखिए, पहले मैंने आम को अच्छे से वॉश कर लिया है, वो भी मैंने 2 बार इसे वॉश किया है। ये 2-3 बार वॉश करने का जो रीज़न है वो मैं आपको टाइम आने पर बताऊँगी, आप वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले तो हम इसे अच्छे से, जो भी इसके छिलके हैं उन्हें हम रिमूव कर लेंगे। आप जैसे चाहें वैसे रिमूव करें। उसके बाद आप वो बर्तन लें जिसमें आप कंसंट्रेट बनाने वाले हैं। ज़्यादा बर्तन क्यों गंदा करना, तो जिसमें आपको बनाना है आप डायरेक्ट वही बर्तन लीजिए। तो मैं इस बर्तन में बनाने वाली हूँ, तो मैंने ये लिया है। और अब हम जो भी कच्चे आम हैं उसके पल्प को हम निकाल लेंगे। कच्चे आम को मैंगो फ्रूटी या मैंगो जूस में इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें जो एक खट्टापन आता है ना, वो कच्चे आम की वजह से आता है। सिर्फ राइप मैंगो से आप वो खट्टापन, वो टेस्ट, वो टेक्सचर नहीं ला सकते हैं जो आपको चाहिए। मैंने कच्चे आम के पल्प को अच्छे से रिमूव कर लिया है। अब जो इसके बड़े पीसेस हैं उसे मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाएगा। अब हम लेंगे राइप मैंगो और इसे भी हम काट लेते हैं। आप इसी में देखिए, वैसे भी हमने 2-3 बार वॉश किया है तो ये गंदे नहीं हैं। आप साफ हाथों से भी इसे करिए। और अब सारे ही आम को मैंने कट कर लिया है। तो फिर आप किसी स्पून की हेल्प से या फिर आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे हमें इसका जो भी पल्प है उसे निकालना है। देखिए, मैंने इसके जो भी पल्प हैं उसे मैं इस स्पून की हेल्प से निकाल रही हूँ। बहुत अच्छे से ये निकल जाएंगे। और देखिए, ये सारे ही पल्प को मैंने निकाल लिया है। अब मैं दिखाती हूँ मैं क्यों बोल रही थी कि इसे 2-3 बार वॉश करने के लिए, क्योंकि जो भी मैंने इसके छिलके निकाले हैं रिमूव करके, उसमें बहुत से पल्प हैं, मतलब जिसे आम का गूदा कहते हैं, वो छिलके में या फिर उसकी गुठलियों में लगे रह जाते हैं। तो उसे आप साफ़ पानी में डाल के अच्छे से थोड़ा सा मैश करेंगे, वो आराम से इजीली निकल जाते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आपका मन करे तो आप ऐसा करें, अदरवाइज़ इसे स्किप कर दें। तो इसे निकाल लिया है। अब मैंने जितना रॉ मैंगो डाला है, मतलब जितने हमने कच्चे आम डाले हैं, उतनी ही हमें डालनी है इसमें चीनी। और चीनी डाल के फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस मात्रा में मैंने कच्चे आम लिए हैं उतनी ही मात्रा में मैंने चीनी भी इसमें ऐड करी है। और जो पके हुए आम हैं उसे आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, आप ज़्यादा रख सकते हैं, कम नहीं रख सकते हैं। या तो फिर जितने आपने कच्चे आम लिए हैं उतनी ही आप पके आम ले लीजिए। और फिर हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम इसे रख देते हैं कुक होने के लिए। और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखें और हाई फ्लेम पे इसे
तब तक चलाएं जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आप इसे ढक दें और एक उबाल आने का वेट करें। जब एक उबाल आता है उसके बाद मैं आगे के प्रोसेस को बताऊंगी। जब तक इसमें बॉयल आता है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर अब देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, तो इसे हम पहले एक बार अच्छे से चला देते हैं। और बस अभी ये कुक नहीं हुआ है, बस इसमें एक बॉयल आया है, पहले हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करें। देखिए इसमें इस टाइम कितना झाग है, जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तो इसका झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब इसे बॉयल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसे एक बार ओपन करके देख लेती हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है, मतलब 80% तो कुक हो ही चुका है, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा और कुक करेंगे। अब मैं इस पर कोई ढक्कन नहीं लगाने वाली हूँ, अब मैं इसे खुले में कुक करूँगी ताकि जो इसमें पानी है वो थोड़ा कम हो सके। पानी मैं इसलिए कम कर रही हूँ क्योंकि पानी जितना कम रहेगा आपका कंसंट्रेट उतना गाढ़ा होगा, और जितना वो गाढ़ा रहेगा आपको उससे स्टोर करने के लिए उतने कम बॉटल में आप स्टोर कर रहे हैं या जिस चीज़ में भी स्टोर कर रहे हैं आपको वो उतना कम लगे। और पानी जितना कम रहेगा इसके ख़राब होने के चांसेस उतने ही कम होते हैं, ये भी एक बेनिफिट है, इसलिए मैं पानी रिमूव कर रही हूँ। और ये धीरे धीरे पानी कम होते जा रहा है। और देखिए जो मैंने बोला था ना पहले कि इसके जो झाग हैं वो कुक होने के बाद बहुत ही कम हो जाएंगे, आप उस टाइम झाग की मात्रा को देखे होंगे और इस टाइम देखिए बिल्कुल लगभग 80% ख़त्म हो चुकी है। ये निशानी है कि जो हम कंसंट्रेट बना रहे हैं वो अच्छे से कुक हो चुकी है। और अब ये अच्छे से जब हो चुकी है गैस का फ्लेम कर देते हैं हम ऑफ, और ऑफ होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। और अभी ये और ठीक होगा क्योंकि जैसे ये रूम टेम्परेचर तक आएगा ठंडा होते होते वैसे ये और भी ठीक होता जाता है, तो अभी ये गर्म है तो इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। लगभग 1-1.5 आप जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उसे ठंडा होने में उतना टाइम लग जाएगा, मुझे लगभग 1 घंटे लगे हैं। और देखिए 1 घंटे में बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और तो मैं दिखाती हूँ ये कितना थिक हो चुका है और इसका कलर भी देखिए बिल्कुल चेंज लग रहा है। तो अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे ताकि एक इसमें स्मूथ सा टेक्स्चर आ जाए। तो आराम से डालिए, तो देखिए अब हमने डाल लिया है तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ा सा निकाल के कि हमें कैसा टेक्सचर चाहिए था। देखिए ना ही ये बहुत ही गाढ़ा है ना ही ये बहुत ही लिक्विड जूस जैसे होता है वैसा है, बिल्कुल हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो अब मैंगो कंसंट्रेट हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये लिया है मैंने कुछ आइस क्यूब, आइस क्यूब आप ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन ये बहुत ही बड़े हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है, तो इसे हम पहले क्रश कर देंगे। तो अब चलते हैं हम अपने वीडियो के मेन पार्ट पे। तो ये देखिए मैंने रखा है 3 ग्लास, तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैंगो जूस। तो मैंने इसमें डाला है कुछ आइस क्यूब्स के क्रश, और फिर हम डालेंगे मैंगो कंसंट्रेट, आप कम ज़्यादा अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने मीडियम साइज का अगर आप स्पून लेते हैं तो 4 स्पून ऐसे डाला है, और इसे पहले हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने मैंगो कंसंट्रेट बनाया है उसे मैंने अभी फ्रिज में नहीं रखा है, वो ठंडा नहीं है इसलिए। तो आपका मन हो तो डालें, अदरवाइज आइस क्यूब डाल के भी इसे डायरेक्ट कंसंट्रेट डालिए और उसमें पानी डालिए और बस बन गई आपकी मैंगो जूस, मैंगो फ्रूटी, आप जो भी इसे नाम देना चाहें दे सकते हैं। और अब हम बनाएंगे मैंगो स्क्वाश। मैंगो स्क्वाश तो ये ऑलरेडी है, मैंगो कंसंट्रेट ही मैंगो स्क्वाश होता है, तो आप इसे डायरेक्ट, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है हमें, आप इसे डायरेक्ट ग्लास में सर्व करके ले सकते हैं। और बस बन गया हमारा मैंगो स्क्वाश।
बारी आती है लस्सी की, तो लस्सी के लिए सबसे पहले लेंगे हम दही। आप खट्टी दही मत लीजिए, आप नॉर्मल ताज़ी फ्रेश दही लीजिए और इसे अच्छे से बीट करिए ताकि इसमें कुछ लम्स ना रहें। और इसमें मैं थोड़े से आइस क्रश डाल ले रही हूँ ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, इस वजह से मैं डाल रही हूँ। और फिर अब हम इसमें जो हमने मैंगो कंसंट्रेट बना के रखा है उसे डाल दीजिए। आपको जितना मीठा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसे ऐड कर दीजिए। और बस बन गई हमारी सुपर टेस्टी मैंगो लस्सी। अब इसे भी हम वापस ग्लास में आइस क्यूब डाल के सर्व कर देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं ग्लास में जो हमने लस्सी बना के रखी है उसे। और बस अब हम इसे मिंट लीव्स के साथ सर्व कर देंगे। मिंट लीव्स को मैंने सिर्फ गार्निशिंग के लिए यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस बन गई हमारी मैंगो लस्सी, मैंगो कॉन्सेंट्रेट, मैंगो स्क्वाश और मैंगो जूस। तो है ना, इसे बनाना कितना ही आसान। ऐसे हमें लगता है कि हम मार्केट से जाते हैं मैंगो फ्रूटी मैंगो जूस खरीद के लाते हैं और वो काफ़ी महंगे भी होते हैं। और इस तरह से आप घर में बैठे, इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, आप आराम से इसे घर पे बना के रख सकते हैं और ये महीने दो महीने तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाले। बस आप मैंगो कॉन्सेंट्रेट बनाइए रखिए और जब आपका मन करे या जब भी बच्चे बोले कि हमें मैंगो जूस पीना है मैंगो फ्रूटी पीना है, बस आप इसे पानी में डाल के मिक्स करके और उन्हें दे दें। बन गई आपकी मैंगो फ्रूटी मैंगो जूस या दही में अगर आप इसे मिक्स करते हैं तो आपकी लस्सी रेडी हो जाएगी। मैंगो स्क्वाश आपको जो बनाना है आप वो बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस कॉन्सेंट्रेट को आइसक्रीम पुडिंग या फिर केक में भी यूज कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बार बार मार्केट जाके मैंगो फ्रूटी माजा घर पे लाने की, आप घर बैठे बैठे ही बहुत ही कम बजट में उससे भी अच्छी उससे भी सेफ मार्केट में मिलने वाली माजा हो या फ्रूटी वो बिना केमिकल के नहीं होती। वो लोग उसे प्रिजर्व करने के लिए उसमें केमिकल डालते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इससे अच्छा है कि आप घर पे ही कम बजट में उससे भी सेफ उससे भी टेस्टी और जब इतनी आसानी से बन जाती है ये सारी चीज़ें तो क्यों ना हम इसे घर पे ही बनाएं। और जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो फिर आप कभी मार्केट से फ्रूटी हो या माजा घर पे नहीं लाएंगे, क्योंकि दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम होता है। आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको टेस्ट सेम ना लगे फिर आप मुझे कमेंट करिएगा। और इसे कभी भी आप शीशे के बॉटल में अच्छे से गर्म पानी में धुल के और उसी धूप में अच्छे से सुखा के उसके बाद ही इसे स्टोर करें ताकि ये लंबे टाइम तक चले और ये बिल्कुल ख़राब ना हो। आपको तीनों रेसिपी में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी और आप कौन सी रेसिपी ट्राई करने वाले हैं, आप जब भी ट्राई करें मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। आप लोग मेरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा ना करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग ही रही है तो वीडियो को लाइक भी करिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।